भी नहीं है, ये वो बातें कर रहे थे। मैंने बोला अच्छा शेंजन वीजा की मुझे मतलब, मैं ऑन अराइवल वीजा थोड़ी ना ले रहा हूँ, मेरे पास ई हाँ वीजा ऑलरेडी सही है, बात है, सही बात है। शेंजन वीजा क्यों पूछ रहे हो आप लोग? और ये नेक्स्ट ऑनवर्ड मेरी जर्नी है बेलारूस के लिए, और ये मेरा टिकट है, बता दिया मैंने। थोड़ा सा डिस्कस किया वो लोगों से, फिर वो लोग चेक किए वीजा टिकट वगैरह चेक करके फिर छोड़ दिए फिर वहाँ। ओके 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 ओके, तो मतलब और थोड़ा एक हार्ड हो पाकिस्तानी गया। बंदा था वहाँ पे इमिग्रेशन में, उसको रोक लिया था बाकू के इमिग्रेशन हार्ड में। हो हाँ गया मतलब थोड़ा सा, है ना। यही जो जा रहे हैं बंदे इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जब आप चीनी बेलारूस के ट्रैवलर लिए को भी निकले फिर प्रॉब्लम। अजरबैजान से बाकू से ही, हेलो फिर फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू द बैक। चैनल, मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ट्रैवल ऑफ बेलारूस फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बेलारूस का रूट कैसे गए, कहाँ से गए, क्या खर्चा है, तो सारा हम चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अली भाई है मेरे साथ, इन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया है इंडिया से बेलारूस। बेलारूस मोस्टली मतलब लोगों को इतना इतने जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो इनको ट्रैवल करना उनको ये काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो। तो अली भाई वेलकम वंस अगेन, कैसे हो? जी भाई बस ठीक हाँ है। तो बताइए थोड़ा सा कि आप बेलारूस का पहले थोड़ा वीज़ा के बारे में बताइए भाई, वीज़ा कैसे मिलता है थोड़ा हाँ हार्ड, आईजी नहीं मैंने है। जी मैंने वीज़ा एक्चुअली बहुत सर्च किया, मैंने कहा मतलब ये बेलारूस का बहुत कम, जितना भी मैंने सर्च किया था ऑनलाइन बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत बिल्कुल कम लोग बिल्कुल ट्रैवल किए यहाँ सही बात, पे। सही। तो मैंने जब ऑनलाइन थोड़े बहुत वीडियोस देखे तो मुझे वहाँ से एक टूरिस्ट एजेंसी का इन्फॉर्मेशन मिला था, जहाँ से मुझे पता चला कि बिना इनविटेशन के ये लोग वीज़ा नहीं देते हैं, या तो बिजनेस इनविटेशन चाहिए या तो टूरिस्ट कंपनी से, कोई बेलारूस के कोई टूरिस्ट तो कंपनी से आपने आपने इनविटेशन कौन सा चाहिए। लिया था, हाँ टूरिस्ट का लिया था? मैंने टूरिस्ट का ही लिया था, और वो ऐसे ही मतलब पैकेज लेना होता है, बिना पैकेज के वो लोग इनविटेशन भी नहीं देते हैं। तो जैसा कितने का रशिया पड़ा के वो? केस में होता है ना, रशिया के केस में हाँ जी, हाँ बीस जी, डॉलर $15 में इनविटेशन मिल जाता है, हाँ। बट ये बेलारूस का जो है ये पूरा पैकेज लेना होता है आपको। तो कितने में पड़ा आठ आपको? ये आप अगर होटल और ब्रेकफास्ट के साथ लेते तो महंगा पड़ता है, या फिर सिर्फ विदाउट ब्रेकफास्ट खाली होटल के साथ और थोड़ा साइट सीइंग टूर का लेते हो तो $400 में एक हफ्ते का टूर मिलता है। ठीक है, कितने का पड़ता है ये अराउंड? ये वही $400 $400 का असर पड़ता है, जी, ठीक है, 400 to 450 लेते हैं वो लेते हैं वो, ठीक जी। है। तो इसकी इनविटेशन के बाद फिर मतलब सारे डॉक्यूमेंट लेकर हमें एम्बेसी जाना पड़ता है। हाँ डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं पूछते हैं, अगर ये इनविटेशन हो टूर पैकेज हो तो अच्छा आपको बस सिर्फ पासपोर्ट और फोटोग्राफ्स ठीक बस है, उतना ही, तो ये और मेल पे ज़्यादा आ जाता कुछ नहीं है? पूछते हैं। नहीं, ये स्टिकर वीज़ा होता है नहीं, जो इनविटेशन होता है आप बताया आपने, जी जी हाँ ये मेल मेल पे पे आ आ जाता जाता है है ना? जी। हाँ मेल पे आ मेल जाता पे आ गया, और जो अपना इनविटेशन लेके पासपोर्ट लेके फोटो लेके अपना सीधा एम्बेसी चले है, गए हाँ बस 4 दिन में आ जाएगा फिर दिल्ली, वीज़ा, दिल्ली राइट, 3 to 4 days में। हाँ दिल्ली। तो जी चलो वीज़ा मिल जाता है उसके बाद, जी और चार्जेस कितने हैं, फ़ी कितनी है इसकी एम्बेसी फ़ी? ये मैंने पे किया था 4,500 कुछ पे किया था फोर मैं थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके ओके जी। ओके और वो जो मतलब वही जितने अराउंड मतलब अराउंड फोर्टी जितने, फाइव हाँ थाउजेंड के आसपास वीज़ा मिलता है इसका टोटल देखे तो, और जितने दिन का आप टूर पैकेज ले रहे हो उतने दिन का ही वीज़ा इशू करते हैं उतने लोग, दिन का उससे ही वीज़ा। ज़्यादा नहीं करते, ओके पर्टिकुलर जो डेट्स है वही डेट्स का वीज़ा देते हैं ठीक है। लोग। और जाने का बताइए, जब आप गए तो फिर दिल्ली में तो कोई इशू नहीं आया हुआ या आया? नहीं दिल्ली से नहीं ट्रैवल किया था मैंने, मुंबई से फ़्लाइट ली थी अच्छा दुबई के लिए, दुबई अच्छा से मैं अजरबैजान भी जा रहा था ना, तो ठीक है, हाँ मैंने अजरबैजान का तो ई वीज़ा ले लिया था, फिर जी, दुबई से मैंने फ़्लाइट ली, और दुबई से दुबई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे इमिग्रेशन का, ये बाकू का अजरबैजान का, जो वहाँ से भी इश्यूज़ हो रहे हैं ना अपने इंडियंस के, तो वहाँ पे कई सारे इंडियंस को रोक लिया था, बाकी के सब लोगों को कौन बोर्ड सी करने दे एयरलाइन थी रहे थे आपकी? बस। ये विजेर थी, हाँ विजेर ही अच्छा थी। विजेर थी, ओके 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 हाँ ठीक है। तो ये लोग काफ़ी सारे इंडियंस को रोक लिए थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे इंडियंस को रोक लिए थे, बाकी के लोगों को भेजा रहे थे बस। एक कपल को तो वो लोग बोर्डिंग डिनाई कर दिए, कपल पता नहीं क्या प्रॉब्लम था वो लोग का, अच्छा और यंग कपल थे वो लोग को तो डिनाई कर दिए बोर्डिंग, और ओके, मेरे केस में वो लोग मुझे भी पूछ रहे थे कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे और क्यों जा रहे हो, तो मैंने तो बता दिया कि मैं मेरा 2 दिन रुकने वाला हूँ, मैं ये होटल में स्टे करने वाला हूँ, यहाँ पे जाने वाला हूँ, और ये मेरा आगे का जो ट्रैवल टिकट है मेरा ये बेलारूस टिकट का बता वीज़ा दिया। आपके हाँ पास तो। बेलारूस का वीज़ा भी चेक किया वो लोगों ने,
और ठीक है, वो वीज़ा भी बार बार स्कैन करके देख रहे हाँ थे देख कि लेते हैं, दुनिया क्रॉस में चेक करते या हैं। नहीं। हाँ तो ओके वहाँ से फिर वो लोग बोर्डिंग पास दे दिए मुझे वहाँ से। ओके, ऑल राइट ऑल बट राइट। बहुत मतलब 1 घंटा 2 घंटा लग गया था वहाँ पे भी, दुबई के वहाँ पे भी ओके ठीक बोर्डिंग के टाइम। है, तो ये इशू आया आपको वहाँ पे, है ना? तो मतलब अजरबैजान के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अजरबैजान का अगर आपके पास वहाँ जाना हो तो आपके पास या तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री या तो फिर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए वो लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, वरना वो लोग मतलब ऐसे ही अगर एवरेज है, फ्रेश पासपोर्ट हो तो बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं वहाँ से, दुबई से भी। ओके 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 ठीक है। तो वहाँ पे चलो, और वहाँ पे जब इमिग्रेशन इधर गए अजरबैजान में गए, वहाँ पे तो इशू नहीं आया होगा ना इमिग्रेशन पे? नहीं, वहाँ पे भी इमिग्रेशन पे वहाँ पर भी रोक के रखे थे, वहाँ पे भी पूछ रहे थे अच्छा, वहाँ पे क्यों आए पूछेंगे। हो, हाँ कितने दिन के लिए आए हो और तुम्हारे पास तो कोई शेंजन वीज़ा भी नहीं है, ये वो बातें कर रहे थे। मैंने बोला अच्छा शेंजन वीज़ा की मुझे मतलब मैं ऑन अराइवल वीज़ा थोड़ी ना ले रहा हूँ, मेरे पास ई हाँ, वीज़ा ऑलरेडी सही है, बात है, सही बात है। शेंजन वीज़ा क्यों पूछ रहे हो आप लोग, और ये नेक्स्ट ऑनवर्ड मेरी जर्नी है बेलारस के लिए और ये मेरा टिकट है, बता दिया मैंने। थोड़ा सा डिस्कस किया वो लोगों से, फिर वो लोग चेक किए वीज़ा टिकट वगैरह चेक करके फिर छोड़ दिए फिर वहाँ। ओके 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 ओके, तो मतलब और थोड़ा एक हार्ड हो पाकिस्तानी गया। बंदा था वहाँ पे इमिग्रेशन में, उसको रोक लिया था बाकू के इमिग्रेशन हार्ड पे। हो गया हाँ मतलब थोड़ा सा, है ना? यही जो जा रहे हैं बंदे इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जब आप जो मैं बेलारूस के ट्रैवलर लिए को देख निकले रहा फिर हूँ। अजरबैजान से बाकू से ही, फिर क्यों इशू आया? फिर तो नहीं आया होगा नहीं, जाते निकल वक्त तो नहीं आया वहाँ, बेलारूस पहुँचने के बाद थोड़ा बेलारूस में सा आया। इमिग्रेशन में। हाँ वहाँ पे वो लोग ये डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं एजेंसी, ये प्रिंट आउट लेके जाना मस्ट है, ये वो प्रिंट आउट लेके गए तो वो लोग चेक करते हैं, फिर कॉल करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो सब करके वो लोगों के फॉर्मेलिटीज सब पूरे करके फिर जाके बंदे को छोड़ते हैं वो लोग, अगर इन्विटेशन ना हो तो फिर मुश्किल है वहाँ से निकलना फिर। हाँ अगर आप कोई अच्छा सा स्ट्रांग कंट्री का वीज़ा होल्ड करते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं ये होगी। तो है, ये तो है, हाँ बट हाँ खाली उस पे जा रहे हैं थोड़ा सा इशू है, अलर्ट होने की ज़रूरत है हाँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था आपके पास कहाँ के लिए, कि बेलारूस के लिए? जो एजेंसी ने जो प्रोवाइड किया था, होटल कंफर्मेशन वोचर आता है और इनविटेशन रहता है, बस यही दो चीज़ें थी। और कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल और किया आपने बाकू से? पूछ रहे थे कि कितना कैश कैरी कर रहे हो, मैंने बोला मैं तो कोई कैश तो कैरी नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मेरे पास फॉरेक्स कार्ड है, ये मेरे कार्ड से क्रेडिट कार्ड से ये फॉरेक्स कार्ड है जो मैं विड्रा कर ले सकता हूँ ये इससे पैसे, ठीक तो है, ठीक है। ठीक है बस उतना ही। और कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल किया था बेलारूस? ये बेलाविया करके उन लोगों की बेलारूस एयरलाइन से जी, अच्छा, चीप है वहाँ कि, से चीप है कि मतलब एक्सपेंसिव है? हाँ वहाँ से मुझे बाकू से 7,000 में कुछ पड़ी ठीक है, थी वो ओके ओके, जी तो बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, राइट? जी तो देखिए फ्रेंड्स, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें बेलारूस की, कैसे वीज़ा जी लेना है, कैसे ट्रैवल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, सस्ते में आप ट्रैवल कर सकते हो जैसे इन्होंने किया, और लेटेस्ट इमिग्रेशन का भी इन्होंने बताया कि ये ऐसी सिचुएशन है अभी, थोड़ा सा अलर्ट होकर आप ट्रैवल करो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो भी इन्होंने बताए, और होपफुली ये काफ़ी लोगों के काम आएगी, और इसको आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट ये लोगों तक पहुँचे जिनको भी बेलारूस ट्रैवल करना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।